नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के शेप ऑप्शन के बारे में। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, इसमें से किसी भी आप शेप्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर रिसेंटली यूज शेप का। बेसिकली ये वो शेप्स होती हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ कर रखी होती हैं, उनमें से आपको कुछ हिस्ट्री दिखाता है जिसमें से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर शेप फॉर्मेट के नाम से एक टैब खुल जाएगा और इसमें आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट चेंज करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं शेप स्टाइल की, तो यहाँ से आप क्लिक करके शेप को किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टाइल्स आपको नजर आएंगे, इसमें ऐसे आप किसी भी स्टाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा जो शेप था वो इस कलर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर यहाँ पर नजर आएंगे, इसमें से कोई भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ अगर आप नो फिल करेंगे तो नो फिल में आपका जो भी कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मोर फिल कलर्स का। मोर फिल कलर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, इसमें से आप कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो वो कलर हमारा यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अदर थीम्स का। यहाँ पर आप जा करके कोई भी थीम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की थीम्स आपको मिल जाएंगी, उस थीम का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने आएगा पिक्चर्स का ऑप्शन। आप पिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसमें कोई भी पिक्चर या कोई भी आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपका सिस्टम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और सिस्टम में से आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम डी ड्राइव में जाते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं किसी पिक्चर में, तो मान लीजिए हम यहाँ पर पिक्चर्स में चले जाते हैं और किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर हमारी शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन है हमारा ऑनलाइन पिक्चर का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन में बहुत सारी आपको इमेजेस नज़र आएंगी, इसमें से किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बर्ड्स को सिलेक्ट किया, बर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी सारी बर्ड्स यहाँ पर दिखाई देंगी, इसमें से किसी भी बर्ड्स को सिलेक्ट करके आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाली पिक्चर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया इंसर्ट। जैसे हमने इंसर्ट पर क्लिक किया तो वो पिक्चर हमारी इस शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ से हम जाएंगे वापस से पिक्चर वाले ऑप्शन पर। पिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम आइकन्स। फ्रॉम आइकन्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप एनिमल्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं, एरोज़ का आइकन यूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं या बॉडी पार्ट्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वो आइकन हमारा इस शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि आपका दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें से कोई भी कलर आप यहाँ पर ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कलर आपका बेसिक शेप में फिल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेक्सचर्स नज़र आएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे टेक्सचर्स नज़र आएंगे, जिसमें आप कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट करके आप अपनी शेप में इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी शेप में कोई भी टेक्सचर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शेप आउटलाइन का। यहाँ से आप आउटलाइन की शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रेड कलर चेंज किया तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी आउटलाइन का जो कलर था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो नो आउटलाइन करेंगे तो इसका जो आउटलाइन था वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से आप मोर आउटलाइन कलर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरीके से यहाँ से भी आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर कस्टम में जा करके यहाँ से कोई कलर आप खुद से बना भी सकते हैं। सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो वही सेम कलर आपकी आउटलाइन में फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर इसकी विड्थ की, इसके साइज़ को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जो भी हमने बॉर्डर लिया है इस बॉर्डर के साइज़ को आप यहाँ से इजीली अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आपको बॉर्डर चाहिए, जितना भी साइज़ बॉर्डर का चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर डैशेस की, तो आप यहाँ पे कोई भी डैश सेलेक्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे आपका जो बॉर्डर था वो उसी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका नज़र आएगा शेप इफेक्ट का, यहाँ से आप जा करके काफ़ी सारे इफेक्ट दे सकते हैं अपनी शेप के ऊपर। ये देखें आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा प्रेजेंट का, यहाँ पर आप काफ़ी सारे आपको इफेक्ट दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट में आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा शेडोज़ का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप शेडोज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपकी शेप के साइड में काफ़ी सारी शेडोज़ नज़र आ रही हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आप चाहें तो रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ आपकी शेप में रिफ्लेक्शन आ गया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ग्लो, तो ग्लोइंग में काफ़ी सारे ग्लो का इफेक्ट आ जाएगा, इसमें से आप कोई भी ग्लो इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स दिखाई देंगे, इसमें से आप कोई भी ग्लो कलर यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सॉफ्ट एज, आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर भी नज़र आएंगे, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीवल की अगर हम बात करें तो ये आपको 3D शेप में कन्वर्ट करके दिखा देगा, तो इसमें से आप कोई भी 3D शेप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ से अगर आप 3D रोटेशन यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप 3D रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत सारे एंगल्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप इन सभी शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस शेप में कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहें यहाँ पर उसे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से चाहें तो वर्ड आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए वर्ड आर्ट का स्टाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें से आप किसी भी कलर में आप इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो शेप था वो वर्ड आर्ट शेप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ चले जाते हैं वापस से शेप फॉर्मेट पर और यहाँ से आपको दिखाई देगा उस जो हमने वर्ड आर्ट में टेक्स्ट लिखा था उस टेक्स्ट में कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस वर्ड आर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे। यहाँ पर देखिए ये शेप, ये टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से उस वर्ड आर्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम ब्लैक करेंगे तो उसके अंदर ब्लैक कलर फिल हो जाएगा, या कोई और कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो वही कलर सेम इसमें फिल हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर नो फिल अगर आप करेंगे तो कोई भी कलर यहाँ पर फिल नहीं होगा। इसके अलावा मोर कलर जो मैंने आपको बताया, मोर कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ओके कर सकते हैं, वही सेम कलर यहाँ पर इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका ग्रेडियंट का भी आएगा, यहाँ से आप चाहें तो ग्रेडियंट कलर भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ से थीम कलर्स का, तो यहाँ से आप चाहें तो आप इसकी थीम के कलर को यूज़ कर सकते हैं, थीम के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उसी तरीके से आउटलाइन की कलर्स को, उसके विथ को, उसके डैशेज को यहाँ से आप चाहें तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो जितना भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट नज़र आएगा शेडो का, रिफ्लेक्शन का, ग्लो का, बीवल का, 3D रोटेशन का, ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, आप इसे उस एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पर, तो यहाँ देखेंगे 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे चाहें तो 270 डिग्री पर भी रोटेट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे जहाँ भी डायरेक्शन देना चाहें उस हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल शेप ड्रॉ करते हैं और उसके बाद मैं इस ऑप्शन को आपको क्लियर करता हूँ। तो मैंने यहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल लेने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे किया और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक टाइप करने के बाद इसको मैंने वापस से सेलेक्ट किया। वापस से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ जैसे मान लीजिए टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से मैंने 90 डिग्री ले लिया। ये देखिए 90 डिग्री पर रोटेट हो गया और यहाँ से 270 पर रोटेट हो गया। और इसको वापस से स्टेटेड करना है तो आप यहाँ ओरिजिनल सेलेक्ट करिए, वापस से ये जैसा था वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ से आप इसे टॉप पे एडजस्ट कर सकते हैं, मिडिल में एडजस्ट कर सकते हैं और बॉटम में एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे और जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए वही सेम ऑप्शंस आप इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपको शेप्स नज़र आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स नज़र आएंगे। यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ्लो चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर डैशेस को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके अंदर ग्लोइंग इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए तो ये सभी ऑप्शंस आप इस टेक्स्ट के ऊपर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर क्रिएट लिंक का। तो क्रिएट लिंक कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट यहाँ पर शेप यहाँ पर यूज़ कर रखा है
और इसी तरीके से हम एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐड टेक्स्ट। हम इस वाली शेप को इस वाली शेप से लिंक करना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करें और ये हमारा फुल हो जाए तो हमारा जो नेक्स्ट डाटा हो वो इसमें ऑटोमेटिक टाइप होता चला जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, क्रिएट लिंक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे ही आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों का आपस में लिंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक लिख दिया, इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, और कुछ भी टाइप करने के बाद जैसे हमारा ये बेसिक शेप फुल हो जाएगा तो आप देखेंगे नेक्स्ट शेप में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट लिंक का यूज़ कर सकते हैं, एक शेप को दूसरे शेप से लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी डेटा फिल करेंगे और वो डेटा अगर आपका फिल हो जाएगा यानी शेप आपकी फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे शेप पर आपका डेटा पहुँच जाएगा अपने आप। तो इसका यूज़ किया जाता है क्रिएट लिंक की मदद से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल टेक्स्ट का। ऑल टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस शेप के बारे में आप चाहें तो जो भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिखने के बाद यहाँ पर जैसे हम इसको कट करेंगे और वापस से हम इसी ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पल ये आपको दिखाई देगा। यानी बेसिकली आप किसी भी शेप को किसी भी पिक्चर के बारे में यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और इसे बाद में रीड कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर पोजीशन का एक ऑप्शन। तो पोजीशन के लिए हम यहाँ पर सभी शेप्स को एक बार डिलीट कर लेते हैं, और सभी शेप को डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया इज इक्वल टू RANT रैंड लिखा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया, और इंसर्ट टैब में जा करके हमने यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर ली। मान लीजिए हम यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, ये वाली शेप हमने इंसर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे हमारी जो शेप है वो टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, तो यहाँ से आप चाहें तो उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जिस पोजीशन में आप चाहें उस पोजीशन में अपनी टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कोई पिक्चर ले सकें, आप यहाँ पर शेप भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने पोजीशन इसकी डिफाइन कर दी। इसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको टेक्स्ट रैपिंग्स, तो इसमें काफ़ी सारे रैपिंग्स आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर पर जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो स्क्वायरली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम टाइटली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था यानी जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर इसके शेप के हिसाब से ही एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए जहाँ पर भी हम शेप को मूव करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे रैपिंग्स हैं, जैसे थ्रो की अगर हम बात करें, टॉप एंड बॉटम की अगर हम बात करें, या फिर बिहाइंड टेक्स्ट की बात करें यानी टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर, एडिट रैप पॉइंट्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। इसमें से किसी भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर गैपिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोर लेआउट्स भी दिखाई देंगे जिसमें से आप काफ़ी सारे लेआउट्स का भी यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैकवर्ड का एक ऑप्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक शेप को और इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसका कलर यहाँ से हमने चेंज कर दिया, और इसके बाद यहाँ से हम यूज़ करते हैं सेंड टू बैकवर्ड का। जैसे हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो हमारा जो डेटा था यानी हमारा जो रेक्टेंगल ब्लैक वाला था वो इसके पीछे चला गया, और जैसे ही हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो ये वापस से इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी शेप को आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम एक शेप को और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एलिप्स ले लिया और इस एलिप्स का कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद अब हमारे पास तीन शेप्स हो गई। इन तीन शेप में से अब यहाँ पर जब मान लीजिए हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, इससे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ से सेंड टू बैक। जैसे हम सेंड टू बैक करेंगे तो ये एक बार में ही सबसे पीछे चली जाएगी, यानी आप एक एक करके इसको अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक एक करके ऊपर ला सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ से देखिए एक एक करके हमारा ऑप्शन ऊपर आ रहा है, और यहाँ से अगर हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो एक एक करके यहाँ से ये पीछे जा रहा है, और अगर आप यहाँ से यूज़ करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट तो आप देखेंगे एक बार में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इन सभी के ऊपर आ जाएगा। और अगर आप इसको एक बार में पीछे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंड टू बैक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका जो शेप था वो एक बार में सबसे पीछे चला जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर बिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये टेक्स्ट के फ्रंट पर आएगा और ये टेक्स्ट के बैक में जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सबसे पहले बैक में कर देते हैं इसको, सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट के पीछे चला गया, और अगर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर लाना चाहते हैं तो वापस से इसको आपको क्या करना है, यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के फ्रंट पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी दोनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा सिलेक्शन पेन का एक ऑप्शन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपके शेप्स होंगे बेसिक शेप्स वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, उसकी आप यहाँ पर आइज़ बंद करके उसको हाइड यहाँ पर कर सकते हैं।
और अगर आप एक साथ हाइड करना चाहें तो यहाँ से हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ आपकी सारी शेप्स हाइड हो जाएंगी, और अगर आप शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ आपकी सारी शेप्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अलाइनमेंट का, तो अलाइनमेंट में आप लेफ्ट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अकॉर्डिंग, और अलाइनमेंट दे सकते हैं पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ग्रुप का। ग्रुप का मतलब शिफ्ट के साथ, मान लीजिए हमने दोनों ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ से ग्रुप में जा करके जैसे हम इसे ग्रुप करेंगे तो ये दोनों शेप्स हमारी क्या हो जाएंगी, आपस में ग्रुप हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम इसके अलावा इस शेप को भी इसमें ग्रुप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ हमें इसको भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम जा करके ग्रुप पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी तीनों की तीनों शेप्स हमारी ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। आप तीनों को एक साथ छोटा या बड़ा या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ग्रुप में जाके जैसे अनग्रुप करेंगे तो ये सारी की सारी शेप्स हमारी अनग्रुप हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी अनग्रुप हो गया और ये भी अनग्रुप हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों की दोनों शेप्स हमारी अनग्रुप हो जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दोनों शेप्स थी वो एक बॉक्स में बंद हो गई और ये वाली जो शेप थी हमारी वो बिल्कुल अलग हो गई। अगर आप इसको भी अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जा करके वापस से अनग्रुप ऑल करना होगा, तब जा करके आपकी ये शेप यहाँ से अनग्रुप होगी और यहाँ से अनग्रुप हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से रोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री 80 डिग्री हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे फ्लिप करना चाहें तो यहाँ से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें किसी भी शेप का, तो आप अपने हिसाब से साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं सेंटीमीटर में। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया और इसको भी मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो दोनों ही मेरा जो शेप था वो 5 सेंटीमीटर में यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी शेप को प्रॉपर एक साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेंज शेप का एक ऑप्शन। यहाँ से आप चाहें तो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास ये शेप है और इस शेप के बजाय मुझे कोई दूसरी शेप यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ से जैसे ही मैं दूसरी शेप यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे ये शेप हमारी चेंज हो जाएगी उस शेप के अंदर जो मैंने शेप वहाँ पर सेलेक्ट की थी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडिट रैप पॉइंट्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट नजर आ जाएंगे। आप अपनी शेप को यहाँ पर कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से नीचे की तरफ दबा दिया। इसके बाद आप इसके पॉइंट्स को उठा करके अपने हिसाब से शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई शेप अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेप्स आप यहाँ पर चाहे अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रीरूट कनेक्टर का। तो इसके लिए हम चले जाते हैं वापस से इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ से चले जाते हैं शेप्स में और यहाँ सबसे नीचे आपको दिखाई देगा न्यू ड्राइंग कैनवस का एक ऑप्शन। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। इस रेक्टेंगल के अंदर हमें जो भी शेप्स लेनी है वो ड्रॉ करनी है। तो हम मान लीजिए यहाँ से कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी एरो यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस एरो को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस एरो को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जो दोनों ही शेप्स होंगी वो आपके इस कैनवास के अंदर ही होनी चाहिए। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कनेक्टर्स का। तो यहाँ से आप चले जाइए कनेक्टर्स पर। यहाँ पर डिफरेंट टाइप को आपको कनेक्टर नज़र आएंगे। तो मान लीजिए हमने इस वाले कनेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट किया और इस वाले कनेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इस वाले कनेक्टर को यहाँ से हमने ऐड कर दिया इस वाले पॉइंट से। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले पॉइंट से ऐड कर दिया। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं किसी एक बेसिक शेप को यहाँ पे मूव करूँगा तो कनेक्टर अपने आप यहाँ पे रीरूट चेंज होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस से इस पर जाता हूँ और यहाँ से मैंने यूज़ किया रीरूट कनेक्टर का। तो जैसे हमने रीरूट कनेक्टर यूज़ किया तो अभी तो बेसिकली इसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा जो कनेक्टर है वो बेसिकली एक रूट में है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसके रूट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रीरूट कनेक्टर का। जैसे हमने रीरूट कनेक्टर यूज़ किया आप देखेंगे हमारा जो रूट था यहाँ से चेंज हो गया। ये कनेक्टर हमारा पहले यहाँ से घूमकर ऐसे आ रहा था और अब देखिए नीचे से ये वापस कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने इस रीरूट कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी रीरूट कनेक्टर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना रूट बदल लेगा और इसी बेसिक शेप के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रीरूट कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और उस बॉक्स के अंदर आप जो भी लिखना चाहें, जो भी राइट करना चाहें वो यहाँ पर इजिली राइट कर सकते हैं। यानी पोएम वगैरह के लिए अगर आप कुछ
यहाँ पर एक बॉक्स चाहते हैं और बॉक्स के अंदर आप यहाँ से चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप में मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इसमें से आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। एरोज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे एरोज़ हैं, इसमें से कोई भी एरो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर इक्वेशंस का एक ऑप्शन, तो इक्वेशंस में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिखाई देगा, इसमें से भी आप कोई शेप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर स्टार्स एंड बैनर्स का, इसमें से भी आप कोई स्टार या बैनर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और स्टार बैनर यूज़ करके यहाँ पर उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड्स का आप यूज़ कर सकते हैं और क्लाउड्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो इजिली आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिखाई देंगे शेप्स के। तो दोस्तों ये थे हमारे शेप्स के ऑप्शंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।